आइए तीन बार ओम का उच्चारण सभी मिलकर के करेंगे। अध्यापिकाओं से भी निवेदन है कि वो भी मंच के निकट आएंगे जिनकी जान टूटी हो रहे हैं। सभी अतिथिजन विद्यालय के पंडाल में ही आ जाएं। यजमान भी पंडाल में रहेंगे। तालियों से स्वागत बच्चों का। स्वामी दयानंद जी की गौरव गाथा आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं सुमेधा एवं दल। हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं। सभी बच्चे तालियां बजाएं। कथा सुनाते हैं आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं चार दिन सामवेद यज्ञ की सुगंधी चारों तरफ विद्यालय के प्रांगण में फैल रही है। विद्यालय का कण कण महक रहा। आनंद चंद ऋषि दयानंद की गाथा स्वामी दयानंद के उपकार उनकी जीवन गाथा आपके समक्ष। ऋषिवर को नाथ प्रणाम गुरुवर को ऋषिवर दयानंद जी को धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। आप सबकी तालियां बजती रहे। के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। आज सभी जान जाएंगे हमारे विद्यालय के मन से कि दयानंद कौन थे। उस दंपति से हम सबने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ऋषिवर को लाख प्रणाम गुरुवर को लाख प्रणाम धर्म धुरंधर तालियां गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। विद्यालय के मन से बहुत सुंदर प्रयास। जब 14 वर्ष की आयु के थे तो आप सभी को ज्ञात है 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के दिन अभी कुछ दिन बाद ऋषि बोध उत्सव भी है तो उस शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी घटना घटी जो ऋषि को बोध हुआ और ईश्वर की तलाश में निकल पड़े। फिर स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जिन्हें उन्होंने संन्यास दिया उनसे संन्यास प्राप्त करके सच्चे गुरु की तलाश में ऋषि निकल पड़े। मथुरा में रहते थे एक सतगुरु मिर्जानंद नामी। उनसे मिलने तक काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुंचे तेजस्वी सन्यासी। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सदगुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते ऋषिवर को लाख प्रणाम गुरुवर को लाख प्रणाम धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए अब गुरु दक्षिणा की बारी आई। गुरु दक्षिणा के समय
गुरु विरजानंद जी ने महर्षि को देश की हालत बताई, किन कुरीतियों से देश जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ देश का नक्शा बदलो। तो ऋषि देव दयानंद जी ने सभी को वेदों की ओर लौटाया, आर्य समाज की स्थापना की और इस देश का नक्शा यूं बदल दिया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की, ऐसे थे हमारे ऋषि देव दयानंद सरस्वती। तालियां बजाते हैं, मुस्काते हैं, आनंद खंड ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। आइए सभी ऋषि को एक साथ प्रणाम करेंगे, उसको नमन करेंगे। सभी मेरे साथ बच्चे नमन करेंगे। ऋषिवर को लाख प्रणाम, सभी बच्चे हाथ जोड़ लें। मेरा सभी से निवेदन है, मंच से पंडाल में जितने भी हैं सभी हाथ जोड़ लें। ऋषिवर दयानंद जी को थानों के थाले नमन कर रहा है।